महज 17 लोगों के साथ नागपुर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संगठित संगठन है। इस संगठन को एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी विचारधारा और एक अनुशासनात्मक संगठन के दम पर संघ न सिर्फ आज जिंदा है बल्कि और ताकतवर संगठन बनकर उभरा है। आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जाने से कांग्रेस बिफर गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को आरएसएस से क्या परेशानी है? आखिर क्यों कांग्रेस को आरएसएस के नाम से पसीना आता है? आइए आपको इस डर के पीछे सबसे बड़ी वजह बताते हैं। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी, जिसकी पहली बैठक नागपुर के एक छोटे से कमरे में हुई थी। आजादी के पहले बने इस संगठन ने आजादी की लड़ाई में न तो कभी महात्मा गांधी का और न ही कभी क्रांतिकारी विचारधारा के नेता सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का साथ दिया। यहाँ तक कि आरएसएस ने तिरंगे का भी विरोध किया था। आरएसएस शुरू से ही हिंदूवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम करती थी। आरएसएस का नाम सबसे पहले लाइमलाइट में उस वक्त आया जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। नाथूराम आरएसएस का कार्यकर्ता रहा था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप आरएसएस पर भी लगा, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में ये साफ हो गया था कि नाथूराम कई साल पहले ही आरएसएस छोड़ चुका था और आरएसएस से उसका कोई संबंध नहीं था। दूसरी बार जब आपातकाल के समय आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया और तीसरी बार 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो एक बार फिर आरएसएस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम बाधाओं के बावजूद आरएसएस ने न सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाया बल्कि एक मजबूत संगठन बन गई। आरएसएस के मुताबिक देश भर में उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं और करीब 80 संगठन हैं। देश भर में रोजाना आरएसएस की करीब 57,000 शाखाएं लगती हैं, जिनमें 50 लाख से ज्यादा लोग नियमित तौर पर शामिल होते हैं। ये संगठन दुनिया के करीब 40 देशों में सक्रिय है। चुनाव में आरएसएस के ये सारे संगठन सक्रिय होते हैं। यही नहीं, आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों समेत पन्ना प्रमुख तक चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। चुनाव दर चुनाव बीजेपी की फतह के पीछे संघ की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और संघ की ये बातें कांग्रेस के दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं।